भैया? सोनीपत से आया था भाई। काम कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा काम लगा। ऑल ओवर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की फिटिंग को लेकर? दिक्कत नहीं आई भाई। अभी भाई ये बिलिंग ही चल रही है, भैया बोले मित्र नहीं खुश है। और टॉप नॉच बेसिक से काम है जो आप लोगों को बाइक लेने के बाद सबसे पहले कराने हैं, एसकेडी बाइक वाली। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी बाइक आ रखी है। वैसे तो यहाँ पर स्कूटी में भी काम चल रहा है, यहाँ पर अपनी एक्टिवा आ गई, यहाँ पर वर्कमैन में काम चल रहा है, सीट वगैरह काम इसमें होना है, इसमें लीवर गार्ड, क्रैश गार्ड, फॉग लाइट, इसके अलावा एक यहाँ पर एंट्रो का इसमें भी क्रैश गार्ड, एक एंट्रो पर यहाँ पर क्रैश गार्ड। लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं एमटी नहीं R15 अटैच दिया गया, यहाँ पर दिया गया मैट में क्रैश का डबल स्लाइडर के साथ, गोल्डन 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 सस्पेंशन भी गोल्डन। में देखो यहाँ से तो काफी अच्छा है, टच आ रहा है। वेलकम बैक टू एसकेडी बाइक वर्ल्ड, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी बाइक आ रखी है। वैसे तो यहाँ पर स्कूटी में भी काम चल रहा है, यहाँ पर अपनी एक्टिवा आ गई, यहाँ पर वर्कमैन में काम चल रहा है, सीट वगैरह काम इसमें होना है, इसमें लीवर गार्ड, क्रैश गार्ड, फॉग लाइट, इसके अलावा एक यहाँ पर एंट्रो का इसमें भी क्रैश गार्ड, एक एंट्रो पर यहाँ पर क्रैश गार्ड। लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं एमटी नहीं R15, एमटी का अलग डालेंगे। तो यहाँ पर अपने सामने है ब्रांड न्यू बाइक यामाहा R15। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाते हैं, टॉप नॉच बेसिक से काम है जो आप लोगों को बाइक लेने के बाद सबसे पहले कराने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो इसमें क्रैश गार्ड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, डबल स्लाइडर के साथ है और पाउडर कोटिंग में है, मैट में लिया है तो मैट का ही जो है टच दिया गया, यहाँ पर दिया गया मैट में क्रैश गार्ड डबल स्लाइडर के साथ। इनकेस कभी मान लो बाइक गिरता भी है ना तो आपका जो है फेयरिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग है, काफ़ी सेफ रहता है और लुक को भी काफ़ी एनहेंस करता है। तो ये हो गया फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक क्रैश गार्ड का, एक बार वहाँ से भी लुक चेक कर लो आप और इस साइड से भी एक बार देख लो। डबल स्लाइडर साथ है, काफ़ी सारे लोग इसमें सिर्फ स्लाइडर लगवाते हैं, स्लाइडर से प्रॉपर सेफ्टी नहीं होती है, 10% मानता हूँ मैं तो, बाकी अगर 100% सेफ्टी चाहिए तो कुछ इस तरीके का क्रैश गार्ड आप एड ऑन कर सकते हो उसमें डबल स्लाइडर के साथ, जैसे मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट क्रैश गार्ड। सेकेंड चीज़ है वो है लीवर गार्ड, कई मान लो बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं और लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होता है, CNC में है, काफ़ी हैवी है, इससे अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट और मिल जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर अगली चीज़ में लगा रखी है हैंड ग्रिप, तो ये हैंड ग्रिप जो है ये प्रॉपर मैच किया है, इस बार हमने टच लिया है गोल्डन का, तो यहाँ पर गोल्डन 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 सस्पेंशन भी गोल्डन तो पूरा मैच हो गया और इसके अलॉय भी गोल्डन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हैंड ग्रिप भी काफ़ी जो है कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है लुक को भी, और हैंडल बार की जो पोजीशन है पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है लुक के मामले में, वैसे नहीं लुक के मामले में, देखो यहाँ से तो काफ़ी अच्छा है, टच आ रहा है। बाइक खड़ी भी काफ़ी ऑसम लगती है, अगर आप वैसे ही खड़ी कर रखी है तो चार लोग देख के बोल देंगे हाँ कुछ चीज़ें करा रखी हैं, कुछ यूनिक सी है। 10R स्टाइल वाले मिरर लगा रखे हैं, उससे पहले इसका इग्निशन ऑन करके और आपको दिखा देते हैं, इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है, ये आ गया 10R वाले मिरर जिसमें इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा और इसमें साथ ही में हैजार्ड लगा रखा है और हैजार्ड के पैटर्न को चेंज करने के लिए आप इंडिकेटर वाले स्विच को दाएं बाएं बीच में दबाते हो तो पैटर्न इसके चेंज हो जाते हैं। इसे मिलते हैं 22 पैटर्न इसे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें फोकस भी काफ़ी अच्छा है भाई, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बहुत ही हैवी और एक बल्कि रुक देते हैं 10R स्टाइल वाले, इसे R6 के मिरर भी कहते हैं तो वो भी है। इसके अलावा यहाँ पर बबल वाइजर लगा रखा है, ये चेक कर सकते हो बबल वाइजर, इसका बबल वाइजर का भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं मिल जाएगा लेकिन ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ब्लैक ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अंदर रेडिएटर की सेफ्टी के लिए रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है और यहाँ पर देखोगे तो फोर्क स्लाइडर, ये सब फोर्क प्रोटेक्शन भी लगती है लेकिन हमने इसमें लगाई नहीं है क्योंकि कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसे ही काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हो गया जो है फोर्क स्लाइडर, मान लो कभी गलती से ही बाइक गिरता तो आपका सस्पेंशन, आपके डिस्प्ले, आपका ये वाला पार्ट सब कुछ सेफ है भाई। इसके अलावा यहाँ पर इंडिकेटर लगा रखे हैं, वो भी बॉडी इंडिकेटर, तो बॉडी इंडिकेटर का भी फोकस आपको दिखाते हैं, दिन में भी रोशनी एक साइड लेकिन इंडिकेटर की रोशनी अलग साइड, ये देखो गाइस वाटर प्रूफ रहता है और कोई दिक्कत किसी तरीके का इशू नहीं आता है। जो कंपनी से बाहर आते हैं ना इंडिकेटर, जो कंपनी वाले आते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्टी लुक भी आता है। यहाँ पर चेन कवर लगा रखा है गोल्डन में R15 का, जो कंपनी देती है वो देती है प्लास्टिक का लेकिन जो एसकेडी बाइक देता है वो देता है मेटल का, जंग भी नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पर आ गया ग्रैब रेल, तो जिन लोगों के ना सीट हैंडल टूट जाते हैं R15 के, आपने काफ़ी सारे देखे होंगे सीट हैंडल टूट जाते हैं तो फिर वो बन जाते हैं मिस्त्री, फिर वो लगाते हैं इसमें MCL फैवी को एक पता नहीं क्या क्या, वो मत लगाओ प्रॉपर लगाओ इस तरीके का डिज़ाइन ही देखो भाई, इसमें मैट मिल जाएगा, ये ग्लॉस में जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग है और अब इस पर जो राइडर पीछे बैठेंगे या बैठेंगी वो उसको कुछ इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका भी। ऑल अबाउट लुक कुछ यहाँ तक पहुँच गया है यामाहा R15 V4 का, बाकी इससे अलावा भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन आप और कर सकते हो। जिन लोगों को इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगाने हैं तो मैं एग्जॉस्ट का भी दिखा देता हूँ, ये इसके बैंड पाइप है, इसका प्रॉपर बैंड पाइप है ये और मेरे पास ना MT का ही बैंड पाइप मिल जाएगा, बाकी ये जो है
इसमें मैं आपको एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के एग्जॉस्ट है, ये आ गया एस सी का, आ गया ये ऑस्टन रेसिंग, आ गया एस सी एक्रोपब्लिक, इसके अलावा R1M डबल बैरर। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जॉस्ट और भी हैं। यहाँ अपनी ब्यूटी खड़ी हुई है, इस पर तो यार काम चलते रहता है दोस्तों। तो बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ फाइनल। और ये वाला बैंड पैप जो है इम्पोर्टेड में, इसमें इंडियन में भी आता है, लेकिन इंडियन में मेरे पास है नहीं। तो अभी के सिनेरियो में तो ये था दोस्तों। बाकी R5 पर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन आप और दे सकते हो। ये लोकेशन मिलेगी दिल्ली करोल बाग नए वाले मार्केट में। और इस तरीके की जो है वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डुप्लीकेट शॉप सावधान रहना, मेरी एक ही शॉप है वो भी SKD बाइक वर्ल्ड, पूरा पढ़कर आना, कुछ इस तरीके का बोर्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा भाई वहाँ पर मिलता है। भाई आए थे हमारे पास काफ़ी दूर से, कहाँ से आए थे भैया? सोनीपत से आया था भाई। काम कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा काम लगा भाई। काम एक बार आओ होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम करवा के। ऑल ओवर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की फिटिंग को लेकर? दिक्कत नहीं आई भाई। अभी भाई ये बिलिंग चल रही है, भैया बोले मित्र में खुश है और बहुत ही अच्छा लगा SKD रायगढ़ पर आके, ऐसा इनका कहना मेरा नहीं। बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। तो भाई कहाँ से उतारे थे आप, कितने किलोमीटर पड़ता है सोनीपत से? यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से 70-75 किलोमीटर के आसपास है भाई। 70-75 किलोमीटर है। तो गाइस आपको कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको बता चुका हूँ। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। चंदन भाई, जय हिंद जय भारत। तो गाइस इस तरीके का जो बोर्ड लगा होगा तो आप पहचान लेना कि ये SKD बाइक वर्ल्ड है, आप लोगों की शॉप जो आप वीडियो देखते हो मेरी। अदरवाइज काफ़ी सारी शॉप और हैं, वो डुप्लीकेट कैटेगरी में आ जाती है। काफ़ी सारी शॉप्स पर क्या होता है कि सिकंदर भाई आ रहे हैं लेकिन सिकंदर भाई आते नहीं है, क्योंकि वही नहीं, उनकी अपनी शॉप यहाँ पर खुल चुकी है SKD बाइक वर्ल्ड करके, पूरा नाम पढ़कर आना। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप सब, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। आज आपको दिखाऊंगा कि SKD बाइक वर्ल्ड आप अपने सिकंदर भाई की शॉप पर कैसे आ सकते हो, वो लोकेशन दिखाऊंगा वीडियो बनाकर, जो कि ये लोकेशन पड़ेगी दिल्ली करोल बाग नए वालन मार्केट में SKD बाइक वर्ल्ड। ये है हमारी शॉप का बोर्ड जो कि कुछ इस तरीके से है, और आपको शॉप के अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको, और ये वीडियो देखो आ कि आपको आना कैसे है, ठीक है जी। सुबह इस समय आ चुका मैं दिल्ली के झंडे वालन मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को मेरी शॉप पर पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेरी हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन झंडे वालन, ठीक है जी। ये हनुमान जी की मूर्ति आ गई, ये मंदिर आ गया, ये रहा गोल चक्कर आ चुका है। इस गोल चक्कर से घूम के हमें हमारे शॉप पर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो आप ये वीडियो को फॉलो करो और आप इजिली आ जाओगे SKD बाइक वर्ल्ड पर, ठीक है। तो भाई ये गोल चक्कर है और हमें इस तरीके से इस गोल चक्कर पर आना है, ये रहा मंदिर, ठीक है जी। हमें इधर नहीं जाना, इस साइड में आना है, गोल चक्कर के साथ साथ में इस तरीके से आते जाना है अपने। ये आप इस तरीके से आ सकते हो, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है आपको मिल जाए। इस साइड नहीं जाना, धोला कुआं वाले रोड पे नहीं जाना है, आपने इस साइड आना है, और बहुत ही आसान रास्ता है यार। इस तरीके से आपने आना है, ठीक है, और इसके बाद आपने इस साइड में आना है, और कहीं मुड़ना नहीं है आपने, और कहीं भी नहीं मुड़ना, कहीं नहीं मुड़ना, सीधे आपको इस साइड में आना है। ये आ गया इस साइड, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है आपको, इस साइड में आपने आना सीधे सीधे, बहुत ही आसान रास्ता है, गोल चक्कर से घूम के बिल्कुल सीधे कहीं नहीं मुड़ना, आप आ जाओ। और गाइस ये पहला कट आ रहा है, इस कट से अंदर लेना है, पहले कट से ये कट आ रहा है, इस कट से आपने अंदर लेना है बिल्कुल सीधा, यहां से बिल्कुल सीधा लेना है आपने गाइस, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, बहुत आसान रास्ता बताया है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। ये बिल्कुल स्ट्रेट आना, कहीं नहीं जाना आपने, ये देख सकते हो भाई बहुत ही आसान रास्ता है। ये आ गई जी मस्जिद सामने, और ये आ गया तिरंगा चौक। अब तिरंगा चौक से भी हमें सीधा लेना है, ये तिरंगा चौक है गाइस, ये आ गई मस्जिद, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, बस बिल्कुल सीधा आना है, बिल्कुल सीधा, और ये आ गया आपका SKD बाइक वर्ल्ड पूरा, ये
ये आ गया जी एसकेडी बाइक वर्ल्ड इंडिया मोटर के साथ में। तो गाइज इस तरीके का जो बोर्ड लगा होगा तो आप पहचान लेना कि ये एसकेडी बाइक वर्ल्ड है आप लोगों की शॉप जो आप वीडियो देखते हो मेरी, अदरवाइज काफ़ी सारी शॉप्स और हैं वो डुप्लीकेट कैटेगरी में आ जाती है, मेरे नाम का जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है एसकेडी बाइक वर्ल्ड पकड़ आना है और आपको दिखाता हूँ मेरी शॉप अंदर से कैसी दिखती है, अंदर से कुछ इस तरीके की। और बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भैया आप जो है अपनी लोकेशन वीडियो बनाओ ताकि हमें पता चले कि हमें किस वाली शॉप पर आना है, क्योंकि आप तो मिलते नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप पर क्या होता है कि सिकंदर भाई आ रहे हैं लेकिन सिकंदर भाई आते नहीं है क्योंकि वही नहीं, उनकी अपनी शॉप यहाँ पर खुल चुकी है एसकेडी बाइक वर्ल्ड करके, पूरा नाम पढ़कर आना ठीक है जी। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, एक बार कॉल जरूर कर लेना, अगर आपको कॉल नहीं लगता तो आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो ये था, कमेंट करके जरूर बताना, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।